Shagan is accepted. Because बिना शगन के मैं मानती हूँ, इसलिए मैंने एक लिस्ट बनाई इस बार कि पिछले बार कहाँ कहाँ के शगन मिले थे मेरे को, क्या क्या हुआ था, कौन से दरवाजे से पहले पैर रखा, फिर कौन से दरवाजे से अंदर गई, फिर बाहर कैसे आई, वो सब उसका नक्शा बनाया और नक्शा बना के उसको पूरी तरह से फॉलो अप करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। ये शगन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और इसीलिए जब मैंने इनको राजीव जी को कहा, मुझे लगता है कि वो खटका इनके दिमाग में भी गया कि उन्होंने भी कहा हाँ हाँ ये तो पिछले बार जैसे उन्होंने कहा कि नहीं कर पाए थे हम, इस बार अपने को करना है तो हमारे मन का भी खटका और आपके मन का भी खटका खत्म हो जाए, तो ये बात हो गई। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि ये एक किस्म से हर्डल तो नहीं मैं कहूँगी, परंतु एक आप लोगों की गुड विशेज हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हजारों गुड विशेज के ऊपर ही हम लोगों को अगले महीने निकालने, ये अगला महीना हमारे लिए क्रूशल रहेगा और आप लोग सबके आशीर्वाद, आप लोग सबका विश्वास और आप लोग जिस तरीके से आज यहाँ बोले हो उससे मैं और मैं समझती हूँ कि आदरणीय महेश जी और कैजन जी भी यहाँ से जाएंगे तो मन भर के जाएंगे, ये कह के जाएंगे कि मुझे मालूम है, हम सबको मालूम है, पार्टी को मालूम है कि आप प्रोफेसर लोग हम लोगों का साथ जरूर दोगे। और मुझे जैसे इन्होंने कहा कि एक प्रोफेसर की इतनी जोरदार वक्त है कि अगर उन्होंने ये कहा, एक गुरुजन की इतनी जोरदार वक्त है कि अगर उन्होंने कहा तो ये तो क्षेत्र क्षेत्र के अंदर, गांव गांव के अंदर ये बात फैल जाएगी और इसमें से मजाल है कि हम लोग निकल के नहीं आएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं धन्यवाद आप सबको देना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये तो शुरुआत, मैं आपको जरूर ये कहना चाहूंगी, दिस लास्ट 5 years have been very difficult. I agree with you. It not only been difficult because हम लोगों ने एक नक्शा बनाया था और एक नक्शा बना के बेबी स्टेप्स लेने का काम हमने शुरू कर दिया, बिकॉज 50 years की प्रॉब्लम्स को हम लोग 5 साल के अंदर मिटा नहीं सकते थे, इसलिए हमारा पूरा कैबिनेट ने ये तय कर लिया था कि जो जो हम लोगों ने स्टेप्स लेने का निर्णय लिया है उन स्टेप्स को ठोस स्टेप्स हम लोग बनाए और एक ऐसा हम लोग एंट्री करने की कोशिश करें कि राजस्थान अब पिछड़ा नहीं कहलाया जाएगा, राजस्थान भी चल पड़ा, विकास की ओर चल पड़ा, ये होप सब दिल सब लोगों के दिल के अंदर डालने की हमने कोशिश की थी। आप सब जानते हो कि 5 साल के अंदर ये बात तो कम्प्लीट हो नहीं सकती है, गुजरात को 15 साल लग गए, मध्य प्रदेश को 10 साल लग गए और उनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मेरे सामने वो रिजल्ट्स बहुत सारे लोगों ने आके कहा था, अब हमारे तो बिजली का ये काम, उसका ये काम, उसका ये काम, मैंने कहा भैया 10 साल मिल जाते तो ये सब काम आपके हो जाते, आप लोग कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने, मैं समझती हूँ कि अपने आप में रिकॉर्ड बनाया और रिकॉर्ड ये बनाया कि हम लोग जाते थे ऑफिस सुबह सुबह और लेट शाम तक हम लोग अपने घर वापस नहीं आते थे, क्योंकि मजा आता था जनता के लिए काम करने का, मजा आता था ये देखने का कि हमने ये डिसीजन लिया है, इस डिसीजन की क्रियान्विति हो जाती है तो उसका असर क्या होता है। परंतु बहुत सारे काम थे जो हम नहीं कर पाए थे, फॉर एग्जाम्पल बिजली का काम, हमने ये सोचा था कि वो बिजली का काम जाने से पहले हम लोग कर देंगे और अगर हमको 5 साल और मिल जाते तो ऐसी बिजली मिल जाती कि पावर कट नाम की जो चीज है वो आप लोग भूल जाते, पर तुम नहीं कर पाए। किसानों को हम ये कहना चाहते थे कि तुम्हारे घर के अंदर तुमको बिजली भी मिलेगी और जो तुमको ये 8 घंटे बिजली मिलना चाहिए नहीं मिल रही है, आज 65 साल डेमोक्रेसी के होने के बाद भी ऐसी स्थिति में आप लोग आए हो, इसको बदलने का काम हम करना चाहते हैं। मूलभूत सुविधाओं के ऊपर हमको ध्यान ही नहीं देने की जरूरत होनी चाहिए, वी शुड हैव प्रोग्रेस्ड सो मच फर्दर। आज भी 65 इयर्स डाउन द लाइन हम लोग उसी मूलभूत सुविधा के अंदर जूझ रहे हैं, वी स्टिल टेक प्राइड इन पॉवर्टी, वी शुड बी एम्बैरेस्ड, वी शुड बी अशेम्ड दैट वी स्टिल टॉक अबाउट पॉवर्टी, पॉवर्टी शुड बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। That World Bank should turn around and say to you that India 70% is below poverty line is embarrassing for us. हमारा आज का यूथ आप लोगों से पढ़ पढ़ा के और वो टेलीविजन को देख के ये सोचता है कि मैं वर्ल्ड सिटीजन कब बनूं? कैसे बन सकते हो जब आपके घर में पानी नहीं आता है, कैसे बन सकते हो जब आपके सिटी के रोड्स की हालत बिल्कुल खराब है, कैसे बन सकते हो जब आपकी शिक्षा
बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे लाने की कोशिश की जा रही है। इट इज एम्बैरेसिंग अगर आप गांव में चले जाओ, ताले लगे हुए हैं स्कूल्स के ऊपर। इट इज एम्बैरेसिंग कि एक हफ्ते 10 दिन पहले अनाउंसमेंट जस्ट बिफोर 4th आचार संहिता लगी, वन डे बिफोर 34 कॉलेजेस वर अनाउंस जस्ट लाइक दैट। अरे इट जस्ट शोज कि कितनी लापरवाही है कि यू कैन जस्ट अनाउंस अ कॉलेज जस्ट लाइक आई अनाउंस अ बर्थडे पार्टी। आज मिसेस बत्रा की बर्थडे पार्टी। अब नाउ जस्ट इमेजिन यू जस्ट अनाउंस 34 कॉलेज, वेयर आर दोस 34 कॉलेज गोइंग टू टेक प्लेस, व्हाट आर पीपल हु आर गोइंग टू टीच, व्हाट आर द करिकुलम्स गोइंग टू बी, हैव यू टॉक टू द पीपल, हैव यू टॉक टू द प्रोफेसर्स, देयर इज नो रोड मैप। व्हेन यू आस्क कहाँ है, एक धर्मशाला में हो गया, एक प्राइमरी स्कूल के 5 कमरे में हो गया, एक सीनियर सेकेंडरी के 3 कमरे में हो गया। इज दिस द वे टू रन कॉलेजेस, टू रन स्कूल्स? इट शोज द रिस्पेक्ट दैट वी हैव फॉर दिस थिंग कॉल्ड एजुकेशन। इफ यू डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर इट, आगे चल के तो आप अपने स्टेट के अंदर उसको लागू नहीं कर सकते। हमने अपने टीचर्स को, अपने गुरुजन का रिस्पेक्ट किया, इसलिए आज भी आप लोग के सामने हम खड़े होते हैं तो भी वॉच कि हम अपनी जुबान पे क्या ला रहे हैं। कोई अटरम्स अटरम नहीं बोल सकते कि सब प्रोफेसर बैठे हुए हैं, उनके सामने संजीव जी के साथ अपने को बोलना है, अपने आप को इनके सामने एम्बेरस नहीं करना है। ये वो जो सीखा हुआ हमने अपने बचपन में स्कूल्स के अंदर, वो हम प्रोफेसर के सामने जब खड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात होती। आई डोंट सी दैट रिस्पेक्ट, एंड ये ज़रूरी है। मैं कभी कभी पूछना चाहती हूँ, इन लोगों को पढ़ाया किसने, है कोई यहाँ, है कोई? क्योंकि आप लोग जो पढ़ाते हो वही भोगना पड़ता है। सो आई एम जस्ट वांटिंग टू अंडरस्टैंड इनमें से किन के, ये जो बैठे हैं टुडेज कैबिनेट, उसमें से किन ने, कितने लोगों को आप लोगों ने पढ़ाया है कोई? आई एम एम्बैरेस्ड फॉर जोधपुर यूनिवर्सिटी, प्लीज आई एम वेरी एम्बैरेस्ड फॉर जोधपुर यूनिवर्सिटी, because Jodhpur University is supposed to be one of the best universities in this state and has been. Abhi jo bhartiyan hui, agar is tarike ki bhartiyan apan karenge to phir to bhul jao education levels kya hone wale hain, wo samajh mein aa jayega. Isse to better ye ho jayega ki main apne aap ko declare kar du ki now on I am vice chancellor of this university and this university, and I will decide कि मैं अपने परिवार को, किसी को भी, मेरे दोस्तों को, जिसको मुझे प्रोफेसर बनाना बना लूं। या तो वो वाइस चांसलर्स को पूछो, या तो उन लोगों को, और ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पीछे एकेडमिक रिकॉर्ड हो। जब मैंने तय कर लिया कि मेरे कोई भी कार्यकर्ता की वाइफ को हम वाइस चांसलर बना देंगे तो इज नो प्रॉब्लम, वो तो बहुत आसान है। बट द इश्यू इज कि व्हेन यू मेक देम दे हैव टू हैव something behind them so that we can respect them, because the post of vice chancellor, sir, as you know Bhagiraj ji, is important. When you go to the post of vice chancellor, I stand in front of you humbled, because you are the biggest in the state. You are the person who runs this whole thing in the state, so I stand before you humbled. But you have to have something about you that commands the respect of those people. If you don't command the respect, तो मतलब ही क्या हुआ? आज देखने को मिल रहा है, मैंने जिस तरीके से चल रहा है, all institutions जो भी हैं, उनको तहस-नहस करने का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छी बात है कि आपने कह दिया कि कोई institutions नहीं है, हम तो institutions को सबको की ओवर करके हमको जैसा मन चाहे वैसा हम करने वाले हैं। परंतु मैं मानती हूँ कि एक हिस्ट्री है, एक संस्कृति है, एक सोच है, एक प्रिंसिपल है, और उसके ऊपर अपने को चलने की जरूरत है। उस हिस्ट्री और प्रिंसिपल के हिसाब से जो हम लोगों ने आज तक इंगित करने की कोशिश की है, उसको हमने रिस्पेक्ट दिलाने की कोशिश की है, उसको हम देखना चाहते हैं, ताकि इसी चीज को हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को यही समझा सकते हैं, वही रिस्पेक्ट के साथ अपने गुरुजन के सामने खड़े हैं। इफ यू डोंट हैव द रिस्पेक्ट, कैसे होगा काम? और मैं तो एजुकेशन, जिस स्टेट के अंदर उसका एजुकेशन ठीक चल रहा है, जहां उनके टीचर्स बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, वहां मैं मानती हूं कि वो स्टेट को कोई ढकेल नहीं सकता पीछे, वो स्टेट आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग वो चीज हमारे सबके दिमाग के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। सो यू आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सिर्फ इतना ही कहना है
कि किसी भी वाइस चांसलर हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी प्रोफेसर यहाँ बैठे हो, इतनी बड़ी लेगेसी है आप लोगों की, इसमें कहीं कुछ गलती हो जाती है तो अगली पीढ़ी खत्म हो जाती है, और अगर उसमें कहीं अपन सही चल जाते हैं तो वी कांट, यू कैनॉट यूज द लैंग्वेज दैट सीनियर पॉलिटिशियंस आर यूजिंग टुडे, यू कांट यूज इट अगेंस्ट आदमी टू आदमी, बट यू कांट यूज इट फॉर विमेन। मैं ये नहीं कह रही हूं एज अ पॉलिटिशियन, ठीक है हम लोग सब, एज अ प्रोफेसर आप तो एक ही लाइन में खड़े, इनाशी जी एज अ पॉलिटिशियन हम एक ही लाइन में खड़े, बट एक सभ्य भाषा, एक तरीका, यही तो हमारे बच्चे देख रहे हैं आज टेलीविजन देखते हैं हमारे बच्चे, वो कहते हैं कि हाँ ये क्या, ये कैसे किस तरीके से उस पद को सुशोभित कर रहे हैं, उस चीज की गरिमा को किस तरीके से रख रहे हैं, उस चीज को हम अपने बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बच्चे देखते हैं वो कहते हैं हाँ ये हमको फॉलो करना है, क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं, वो टेबल पे खड़े होकर वही हो हल्ला करे उसको कौन रोक सकता है, ये तो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं ना। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग जो सेट करोगे वही प्रदेश बनेगा, अब आप कुछ हो यहाँ, दिस प्रदेश इज वॉट इट्स टीचर्स मेक इट आउट टू बी, दिस प्रदेश इज गोइंग टू बी लेड बाई इट्स प्रोफेसर्स एंड इट्स टीचर्स, अ स्टैंडर्ड हैज टू बी सेट, वो स्टैंडर्ड विल बी सेट बाई यू ऑल, इफ यू टीच इट टू मी देन यू विल सी मी एंड यू विल बी प्राउड, हाँ ये हमने पढ़ा, बट इफ आई एम नॉट एबल टू स्टैंड अप टू दिस देन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर सेटअप, इस सेटअप को हमको और आपको मिलकर ठीक करना है, बिकॉज हमारी लेगेसी खाली ये नहीं है, आज नहीं है, हमारी कल भी लेगेसी है, उस लेगेसी को ये लोग कहेंगे, कोई भी जब हिस्ट्री लिखेंगे तो कहेंगे ये प्रोफेसर लोग थे, आपके नाम से उसमें लिखा जाएगा कि भाई इस पीरियड के अंदर इन्होंने ये पढ़ाया और ये बच्चे ऐसे निकल के गए, हम लोगों के लिए कहेंगे कि जब वो लोग थे उस समय ऐसे टीचर्स थे, वो लोग खुद ने देखो इस तरीके से एजुकेशन ग्रहण करी और उन्होंने उनको पास ऑन करने की कोशिश की, वी आर रिस्पॉन्सिबल, यू एंड आई वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, हेंस मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधे पे है, क्या हम उस जिम्मेवारी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है मैं तो मानती हूँ यहाँ आपने बहुत सारी चीजें रखी, इफ माई टीचर इज हैप्पी देन ही विल टीच वेल, सो इट्स माई जॉब टू मेक यू हैप्पी, बट इट्स अ साइकिल, इफ यू टीच वेल देन पीपल वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी, सो द इशू इज कि आप भी अपनी ड्यूटी करेंगे, उस चीज को जमीन के ऊपर लाएंगे, पढ़ाएंगे, बैठेंगे, करेंगे, इफ टीचर्स आर गोइंग टू से कि भाई हम तो दो घंटे के लिए आएंगे,